अस्सलाम वालेकुम, एक्सीलेंट टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब भट्ट। आज की हमारी टॉप स्टोरीज ये है, मुल्क में जारी महंगाई की वजह क्या है, क्या आप नहाते हुए गुनगुनाते हैं, पंजाब का सीएम कौन है, स्टेटस किधर अपडेट करते हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। मुल्क में महंगाई का नया तूफान बरपा है, इस महंगाई की वजह क्या है। इमरान खान करप्ट नहीं, ये पीटीआई की राय है, फिर महंगाई के पीछे बुनियादी वजह क्या है। इमरान खान ने इकतदार संभालने से पहले नौजवानों के जोर बाजू पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और नौजवानों के वोट से ऐवान इकतदार तक पहुँचे। नौजवानों से इमरान खान ने वादा किया कि वो इकतदार संभालते ही उनकी बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे और उन्हें नौकरियां फराहम करेंगे, मगर इसके बरक्स इकतदार संभालते ही नौकरियां तो दरकिनार, फिलवक्त महंगाई का तूफान है जो उमड़े चला आ रहा है। आइए महंगाई के पीछे बुनियादी वजह जानने के लिए अवाम की राय जानते हैं। इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा कौमी खजाना जो है वो खाली है बहुत ज़्यादा, और वी हैव अ लोन, अ बिग लोन ऑन अस, तो हमें वो उतारना है, तो उसके लिए डेफिनेटली उन्होंने महंगाई इसलिए की है कि टैक्स बढ़े और टैक्स कौमी खजाने में शामिल होगा। मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब की जानिब से कहा गया है कि आप 4-5 हफ्ते ठहर जाएँ तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो मेरा ख्याल अपोजिशन को 4-5 हफ्ते और इंतज़ार कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान देखें, करप्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है, पॉलिटिशियन जो भी लीडर होता है अपने आप को देख के, अपनी टीम को देख के फिर वो मशवरा करके फिर बताता है कि मुल्क किस तरह चलना है किस तरह नहीं चलना, ये सब पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं होता। ये लोगों का कहना है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान करप्ट नहीं है, मगर वो ना अहल है, उसे हुकूमत करने का पता नहीं है। जब तक आप कैमरा चला रहे हैं, मगर आपको अगर मुझे कैमरा दिया जाए, मुझे कैमरा चलाने का पता नहीं है तो मैं कैमरा नहीं चला सकता। इस वजह से इमरान खान को हुकूमत चलाने का पता नहीं है। दिन दिन वो जो वाम के ऊपर महंगाई का बोझ वाला, इसकी ना अहली की वजह है इमरान खान की। अक्सर लोगों को नहाते हुए गुनगुनाने का शौक होता है, क्या आपका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। वैसे तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ, सिंगिंग का तो मुझे बड़ा शौक है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप वॉशरूम में गाते हो ना, वॉशरूम में आपकी आवाज़ गूंजती है। हाँ, जब नहाता हूँ तो ज़्यादा गुनगुनाता हूँ, लोगों के सामने शर्म आती है तो तन्हाई में जब होता तब गा को लेते। मैं भी दरअसल यार नहाते वक्त गुनगुनाता हूँ, क्योंकि बंदा बोर हो रहा होता है तो वो मतलब साबुन पे आराम से लग जाता है और बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा बाथरूम सिंगर भी समझता हूँ, लेकिन बहुत इंजॉय करता हूँ। यार गुनगुनाते हैं जब वॉशरूम में जाएँ, लेकिन जो भी फीलिंग आए तो उसको हम ऐसा सिंगिंग में ही कन्वर्ट करके बाथरूम इंजॉय करते हैं। और क्या करते हैं यार, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो बाथरूम में ज़्यादा गुनगुनाते हैं, बाथरूम सिंगर होते हैं, बाकी हिचकिचाते हैं। जैसे अब आपके सामने मैं गाना गाऊँ तो नहीं गाया जाएगा आपके सामने। वैसे तो हर बंदा गाना गा लेता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि तन्हाई में गाते हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं में से हूँ कि तन्हाई में गा सकता हूँ, लेकिन लोगों के सामने हेजिटेट करता हूँ। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे के वजीरे आला कौन है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सीलेंट टीवी के साथ मैं हूँ उसामा इरशाद। आज हम लोगों से पूछेंगे कि पंजाब के वजीरे आला कौन है। पंजाब के वजीरे आला उस्मान बुज़दार। पंजाब के वजीरे आला कौन। उस्मान बुज़दार। पंजाब के वजीरे आला कौन। इमरान खान। पंजाब के वजीरे आला कौन। इमरान खान। पंजाब के वजीरे आला कौन। उस्मान बुज़दार साहब हैं, हमारे इलाके के हैं, जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब के वजीरे आला कौन। इमरान खान। नहीं पता। पंजाब के वजीरे आला कौन। आप किधर सबसे ज़्यादा स्टेटस अपडेट करना पसंद करते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप। जी स्टेटस तो मोस्टली तकरीबन सोशल वेबसाइट्स पे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादातर तो व्हाट्सएप पे अपडेट करता हूँ, लेकिन कभी कभार फेसबुक पे भी अपडेट करता हूँ। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, मैसेंजर यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, स्नैपचैट यूज़ करता हूँ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है, तो मैं सारे स्टेटस वहीं अपलोड करता हूँ। ना तो मैं स्नैपचैट यूज़ करती हूँ, ना ही मैं इंस्टा यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ स्टेटस वहीं पर लगाती हूँ। एक्चुअली मैं सारी सोशल ऐप्स यूज़ करती हूँ, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ और उस पर स्टेटस अपलोड करती हूँ। ज़्यादातर तो व्हाट्सएप यूज़ की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन वही है, तो स्टेटस उस पर ज़्यादा लगाता हूँ। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सीलेंट टीवी।